वी द पीपल में एक समस्या आई, क्योंकि सारी फोन लाइंस खुली हुई हैं तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। और जो वमन समाज के लोग हैं या समण समाज में भी जो जैन समाज के लोग हैं, ऐसा ही एक वाक्य हुआ कि एक जैन थे, उन्होंने एक साथी को फ़ोन किया, उन्होंने उनको ग्रुप में ऐड किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लगाया हुआ था। तो जब वो मीटिंग में आए तो मीटिंग में उनसे पूछा गया कि आप कौन से जैन हैं, उन्होंने बताया कि वो पीताम्बर जैन हैं। तो उनसे कहा कि आप तो संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, और आपको क्या जरूरत पड़ी है हमारे जैसे गरीब लोगों के साथ में रहने की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैन में भी गरीब होते हैं। तो उनसे कहा गया कि जैन में तो गरीब बहुत कम होते हैं, वो तो सब रिच लोग होते हैं, बाकी जहां आप आए हैं जिन लोगों के बीच में, यहां तो सारे ही गरीब होते हैं, कोई एकाध ऐसा होता है जिसके पास दो चार पैसे होते हैं। तो उन्होंने ये बात मानी। तो उनसे निवेदन किया गया कि हम अपनी समस्या खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप आए हैं, आपका आभार है। दरअसल ये जो मिस्टेक है या जो गलती है या जो मुगालता है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी आपके पास कोई फ़ोन आए, ये सारे वी द पीपल के लोग ध्यान से सुने कि जब भी आपके पास कोई फ़ोन कॉल आए, क्योंकि आपके नंबर सब जा रहे हैं, तो आप पूछिए आपका क्या नाम है, क्या पता है, समण समाज के कहाँ किस संगठन में आप काम करते हैं, कबीरपंथी हैं या सतनामी हैं या जो बाबा गाड़गे हैं उनके हैं या अम्बेडकराइट हैं या ज्योतिबा फुले के हैं या सम्राट अशोक के अनुयायी हैं या बुद्ध के हैं। तो जब आप उनसे ये पूछेंगे तो आपको जानकारी होगी। आप उनका पता पूछिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई वी द पीपल का मेंबर मिल जाएगा। उनको दो दिन एक दिन होल्ड पर रखिए, और जो वहाँ वी द पीपल का जो कोई दूसरा मेंबर है उससे बात करके कंफर्म कीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में ये व्यक्ति हैं, उन्होंने ये डिटेल हमको दी है, क्या ये समण समाज के हितैषी और भारत के हितैषी या इस पूरे जो गरीब लोग हैं उनके हितैषी हैं, क्या वो काम करने के लिए इस लायक हैं या वो संपन्न हैं? अगर वो संपन्न हैं तो हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि संपन्न लोगों के गरीबों में कोई इंटरेस्ट खास होता नहीं है, वो सिर्फ चैरिटी के लिए आते हैं। तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके धन्यवाद करके आप वापस कर दें कि अभी हम अपने दुख अपने आप ही ठीक कर लेंगे। और अगर वो समण समाज के हैं तो उनको बाइज्जत उसमें एंट्री कराया जाए। इसलिए वी द पीपल का कोई भी मेंबर किसी मेंबर को जोड़ते समय पूरी जानकारी ले और अपनी जानकारी शुरू में ना दे, यानी कि आप अपने बारे में मत बताइए, सबसे पहले उनके बारे में पूछिए, क्योंकि उनका फ़ोन कॉल आया है तो उनसे पूछिए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, कितना काम किया है, कैसे किया है, क्या आपका उद्देश्य है, क्यों आना चाहते हैं, क्या बात है, फिर उसको वेरीफाई करिए, कन्फर्म करिए, फिर उनको ग्रुप में एंटर करिए। क्योंकि यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे के सारे गरीब लोग हैं, सारे के सारे सीधे साधे लोग हैं, संपन्न लोगों से हम बाद में मिलेंगे, अभी तो अपने गरीब जितने लोग हैं, जितने सीधे साधे समण समाज के लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करने का मन है, क्योंकि समस्या उन्हीं की बहुत ज़्यादा है। तो सारे वी द पीपल के लोग इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कोई फोन कॉल्स आए आपके पास में, फ़ोन आए, कॉल आए, तो आप सबसे पहले उनकी डिटेल लें, एक कागज़ में, एक डायरी में लिख लें, किसी दूसरे साथी से पूछें, तीसरे से पूछें या मीटिंग में पूछें, ये व्यक्ति हैं, फलाने शहर के हैं, फलाने हैं, उनसे वेरीफाई करें, और वेरीफाई के बिना उनको ना रखें, ये ध्यान रखें, क्योंकि उनका भी समय बचेगा, हमारा भी बचेगा। धन्यवाद।